नमस्कार, मैं डॉक्टर संतोष आपका स्वागत करता हूं आज के इस नए यूट्यूब की वीडियो में। अल्फाबेटिकल लेटर टी में हम चल रहे हैं। इसका जो नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट पॉलीक्रिस्ट दवा है जिसका नाम है थूजा, उसके बारे में कुछ जिक्र करेंगे, कुछ इसके इम्पॉर्टेंट क्लिनिकल टिप्स, कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स के बारे में बताऊँगा। और जो चीज़ जानने के बाद आपको एक केस जब आपके क्लिनिक में आता है उसको हैंडल करने में बहुत ही ईजी रहेगा, उसको बहुत ही कम सिम्टम से, एक पर्टिकुलर कुछ कैरेक्टरिस्टिक सिम्टम से, पिकुलियर अनकॉमन और उसके माइजमेटिक सिम्टम से आप कैसे पता लगा सकते हैं कि ये थूजा का पेशेंट है, वो चीज़ आप इजीली जान पाएंगे। तो वीडियो को शुरुआत से लेकर अंत तक जरूर देखिए, सबके लिए महत्वपूर्ण है। वैसे तो थूजा के बहुत सारे लक्षण हैं, मैटेरिया मेडिका में आपको मिल जाएगा, लंबा 20-30 पेजेस तक है, जैसे कि कैंट्स मैटेरिया मेडिका में आपको मिल जाएगा, लेकिन मैं आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के बारे में सिर्फ बताऊंगा। तो शुरुआत करते हैं, थूजा एक एंटीसाइकोटिक रेमेडी है, एंटी माइजमेटिक रेमेडी है, जैसे कि मुख्य एंटीसोरिक रेमेडी है सल्फर, मुख्य एंटीसिफिलिटिक रेमेडी है मैक्सोल, ठीक उसी तरह ये मुख्य एंटीसाइकोटिक रेमेडी है। वैसे तो एंटीसाइकोटिक रेमेडी बहुत सारे हैं, लेकिन उनमें से एक मुख्य है थूजा, क्योंकि ये जितने भी साइकोटिक माइजम के लक्षण है, मेजोरिटी ऑफ जो साइकोटिक जो उसके लक्षण है थूजा के अंडर आता है, इसीलिए इसको राजा कहा गया है एंटी साइकोटिक रेमेडी का। तो अच्छी तरह से इसको नोट कर लीजिए आप, जो इंपॉर्टेंट सिम्टम्स मैं बताऊंगा बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको कंपैरिजन भी बताऊंगा कुछ दवाइयां जो कि थूजा से सिमिलर रहती है या फिर अपोजिट रहते हैं, उस कंपैरिजन के बारे में बताऊंगा, जो कि आपको बहुत जल्दी मदद करेगा क्लिनिकली एक पेशेंट को देखने में और एक पर्टिकुलर सिमिलिमम रेमेडी का सिलेक्शन करने में बहुत ज़्यादा मदद करेगा। तो उसको जरूर नोट कर लेना और वीडियो को शुरुआत से लेकर अंत तक जरूर देखना, अंत में पोटेंसी के बारे में बताऊंगा। तो शुरुआत करते हैं, एंटीसाइकोटिक रेमेडी है, साइकोटिक माइजम को कवरअप करता है, तो उसके लक्षण क्या क्या होने चाहिए। दो इंपॉर्टेंट चीज़ों के लिए थूजा का अप्लाई होता है। सबसे पहला जो आज के डेट में इसके ज़रूरी है, सप्रेस्ड वैक्सीनेशन, इल इफेक्ट्स ऑफ वैक्सीनेशन, टीकाकरण के बाद अगर आपको कुछ प्रॉब्लम होता है, कुछ भी प्रॉब्लम होता है, तो उसको दूर करने के लिए, उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए थूजा दिया जाता है। और दो रेमेडी है, साइलिशिया और एंटेमटाट, इन तीनों रेमेडी को आप जरूर याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है आज के दौर में जो मास वैक्सीनेशन हो रहा है कोरोना के लिए, उसके कारण बहुत सारे लोगों का मौत हो रहा है, बहुत सारे बीमारियां आ रही है, नई नई बीमारियां, तो उस चीज को न्यूट्रलाइज करने के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है थूजा, एंटेमटाट, साइलिशिया, ये तीन इंपॉर्टेंट रेमेडी आप जरूर याद रख लेना। नेक्स्ट जो थूजा यूज होता है वो है सप्रेस्ड गोनोरिया। अगर आपको का पेरेंटल हिस्ट्री में या फिर आपके लाइफ टाइम के हिस्ट्री में कभी सप्रेस्ड गोनोरिया आपको पता चले कि गोनोरिया हुआ था, जो सेक्सुअल प्रॉब्लम है और मवा सा बहता है पेनिस के थ्रू और एलोपैथी का ट्रीटमेंट देकर उसको जबरदस्ती दबा दिया गया है, फिर उसके बाद आपको मान लो कोई बीमारी हुई है या फिर आपके एंसेस्ट्रल में हुई है और आपको बीमारी हुई है, तो आप थूजा अप्लाई कर सकते हैं। ये आपको मेडोराइनम में भी मिलेगा, मेडोराइनम भी एक एंटीसाइकोटिक रेमेडी है और बहुत ही इंपॉर्टेंट रेमेडी है, उसमें भी मिलेगा, तो ये दोनों सिमिलर रहती हैं। तो ये बेसिकली यूज़ होता है। अब कुछ इसके इंपॉर्टेंट माइंड सिम्टम्स हैं, थूजा की बात करूँगा। ये एक तरह का मतलब हाइपर सेंसिटिव नेचर है, कुछ इसके फिक्स्ड आइडिया है, कुछ जैसे कि कोई साइड में खड़ा हुआ हो, एक फिक्सन जैसे, मतलब भूत या डर, कोई मेरे साइड में खड़ा हुआ है, कोई मुझे पुकार रहा है, कोई अननोन पावर मुझे खींच रहा है, मुझे बुला रहा है, तो इस तरह का जो फिक्स्ड आइडिया है, एक तरह का मतलब अजीब सा जो चिंतन है वो थूजा के अंडर आता है। कभी कभी तो वो सोचता है पैरों के कि मेरे जो पैर है वो काठ के बना हुआ है, वुडन के या फिर ग्लास के बना हुआ है, कांच का बना हुआ है, मैं चलूँगा तो थोड़ा जल्दी जल्दी चलूंगा तो वो साइड टूट जाएगा, इस तरह से वो सेंसिटिव नेचर वो फील करता है। तो इस तरह का जो फिक्स्ड आइडिया है थूजा का है, ये साइकोटिक माइजम के अंडर आता है। फिर जब हम माइंड से नीचे उतरते हैं तो सर में चक्कर आना, ये चक्कर आना एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम है। इसका जो थूजा का लक्षण है, आँखें बंद करने पर उसका चक्कर आता है, खोलने पर उसको अच्छा फील होता है, आँखें बंद करने से ही उसका चक्कर आना शुरू हो जाए। ये दो रेमेडी में आपको मिलेगा, लैकेसिस और थेरेडियम, थेरेडियम में हमने बात किया था, तो ये दो रेमेडी के साथ थूजा में भी है, आंखें बंद करने पर उसको चक्कर आता है। फिर नेक्स्ट इसके सरदर्द के बारे में बात करेंगे, उसके जो दोनों साइड्स है पैरेटल बोन्स या फिर माथे पे कहीं पर भी एक कांटा जो चुभता है, अगर नेल एक कांटा अगर आप मारे किसी जगह पर तो
तो जिस तरह का कांटा लग जाए तो किस तरह से दर्द होता है, उसी तरह से मान लो कोई कांटा पीट रहा हो वहां पर, तो नेल ड्रिवन जैसा फील होता है। और ये आपको कोफिया क्रूडा और इग्नेशिया में भी मिलेगा, ये पर्टिकुलर लक्षण है, आप याद रख लेना। नेल ड्रिवन थ्रू पेरिटल बोन्स उसका सिम्टम्स है, और ये आपको कोफिया और इग्नेशिया इन दोनों रेमेडीज में भी मिलेगा। तो क्लिनिकली केस टेकिंग के दौरान आपको तुरंत आपको एक दवाई का सिलेक्शन करने में मदद करेगा। फिर नेक्स्ट इसके हेयर के सिम्टम के लिए आता है। हेयर का बहुत जल्दी इसका यूज़ होता है, बहुत बढ़िया तरीके से यूज़ होता है उन लोगों में जिनमें डैंड्रफ बहुत ज़्यादा होता है। वाइट फ्लेक्स निकलता है, पपड़ी निकलता है, वाइट फ्लेक्स, इचिंग बहुत ज़्यादा होता है, हेयर बहुत ड्राई होते हैं, सूखा सूखा ड्राई होता है, तो उन सारे केसेस में और जल्दी वो हेयर फॉल बहुत ज़्यादा होता है। तो इन सब के जैसे आपको ऑयल ग्रीजी अगर रहता है, चिपका हुआ रहता है, तो नेट्रोमीर जैसे होता है, ठीक उसका ऑपोजिट थुजा में मिलेगा, ड्राई रहता है, फ्लैकी डैंड्रफ रहता है, ड्राई डैंड्रफ। इसीलिए खाने के साथ साथ कभी कभी हम इसको एक्सटर्नली अप्लाई करने के लिए देते हैं जिनको बहुत ज़्यादा ड्राई डैंड्रफ होता है, वो क्विकली उसको चेक करता है, 5 बूंद पानी में मिलाकर दे दीजिए या फिर अप्लाई करिए, बहुत क्विकली काम करेगा उसको चेक करने में। अब सर से हम नीचे उतरते हैं दांत की तरफ। एक इम्पॉर्टेंट लक्षण है थूजा का कि दांत के जो जड़ों से वो इरोजन होता है, वहाँ से डिके होता है। क्राउन जो दांत का ऊपरी हिस्सा है, क्राउन वहाँ पर ठीक रहता है सब, लेकिन निचली हिस्से में वो इरोजन होता है, वो मतलब उस वहाँ से क्षय होता है, डिके होता है दांत का। जैसे आपको मेजरियम में मिलेगा वो सिमिलर है, उसका ऑपोजिट है एयर्ज में जो डिके होता है वो आपको स्टाफिसाग्रिया में मिलेगा, उसका हमने जिक्र किया था। तो ये कंपैरिजन आप याद रख लेना, जड़ से अगर होता है तो थूजा और मेजरियम, अगर ऊपर की तरफ से होता है एयर्ज में होता है वो स्टाफिसाग्रिया आता है, तो ये पर्टिकुलर आप याद रख लेना। इसका एक इम्पॉर्टेंट एब्डोमिनल सिम्टम है जो कि आपको आमतौर पर नहीं मिलेगा, कुछ कुछ ये रेयर है सिम्टम है, लेकिन एक इम्पॉर्टेंट सिम्टम है एब्डोमेन के अंदर, पेट के अंदर। पेशेंट कभी कभी बोलेगा कि कोई जिंदा जानवर, कोई एनिमल पेट के अंदर हो ऐसा फील होता है, वो वहाँ से चिल्लाता है, चीखता है, वहाँ पर घूमता रहता है, घूमने जैसा फील होता है अंदर। कोई जैसे औरतों के अंदर जो प्रेगनेंसी के दौरान बच्चा घूम रहा है, ठीक उस तरह उसको फील होता है। तो ये पर्टिकुलर लक्षण है थूजा में मिलेगा आपको, ये आपको क्रोकोस में भी मिलेगा, नक्स मॉइस्चर में मिलेगा, सल्फर में भी मिलेगा। तो ये इम्पॉर्टेंट दवाइयाँ हैं जो कि इस तरह का सेंसेशन फील होता है। मोस्टली थूजा, क्रोकोस और नक्स मॉइस्चर में ये आपको बहुत हाईली इंडिकेटेड मिलेगा, आप इसको याद रखना, ये पर्टिकुलर रेयर पॉइंट है। नेक्स्ट हम इसको जाएंगे कॉन्स्टिपेशन के ऊपर। कॉन्स्टिपेशन ठीक साइलिशिया के जैसा है, स्टूल बहुत ज़्यादा कड़ा रहता है, बाहर थोड़ा निकलता है फिर अंदर चला जाता है, ये आपको साइलिशिया और सानिकुला में भी मिलेगा, ये दोनों इंपॉर्टेंट रेमेडी है, आप इसको याद रख लेना, सिमिलैरिटी रहती है। कॉन्स्टिपेशन के साथ साथ इसको डायरिया का भी प्रॉब्लम रहता है, डायरिया जैसे कि आपने कॉफ़ी पी लिया, चाय पी लिया, फास्ट फूड खा लिया, तो इस तरह का जो चीज़ें खाने के बाद, इनडाइजेस्टिबल चीज़ें खाने के बाद, मतलब लेट देर से हजम होने वाले चीज़ खाने के बाद उसको तुरंत डायरिया पकड़ लेता है, वो सिम्टम भी आपको मिलेगा थूजा में, क्योंकि ये एक पॉलीक्रिस्ट रेमेडी है, हर तरह का सिम्टम इसमें मिलेगा, तो आप पर्टिकुलर जो की नोट सिम्टम है उसको लेकर आगे बढ़ना पड़ेगा। पाइल्स का भी इसको लक्षण मिलेगा आपको, मतलब जो ये बेसिकली क्योंकि एक एंटीसाइकोटिक रेमेडी है, इसमें जो पाइल्स है वो एक मांस का टुकड़ा वो बैलून की तरह या फिर ग्रेप्स की तरह, चने की तरह वो बाहर निकला हुआ होगा मांस का टुकड़ा, वो बैठने पर आप उसको दर्द होगा, दूसरों की पाइल्स की तरह नहीं है, ये साइकोटिक पाइल्स है, मांस का टुकड़ा बाहर निकलेगा एनस के रास्ते से, मल द्वार के रास्ते से एनस जो मांस का टुकड़ा बाहर निकलेगा वो दर्द करेगा, अगर आपका स्टूल जाओ ना जाओ नॉर्मली बैठो तो वो बहुत ज़्यादा दर्द करेगा, ये उसका पर्टिकुलर लक्षण है पाइल्स का जो कि थूजा के अंडर में आता है। स्टूल के बाद नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट इसका लक्षण है वो है यूरिनेशन के ऊपर। यूरिनेशन में बेसिकली यंग एज से लेकर ओल्ड एज तक यूरिन में अगर जलन हो, दर्द हो, यूरिन ख़त्म होते वक्त दर्द होता है, जैसे कि हमने सरसा परिला में पढ़ा था, वो लक्षण बहुत ज़्यादा पाया जाता है, कैंथरीस है, सरसा परिला है, थूजा में भी मिलेगा। और बेसिकली ये ओल्ड एज में जिनको प्रोस्टेट का प्रॉब्लम है, प्रोस्टेटोमेगाली है, बार बार पेशाब आता रहता है, कंटिन्यूसली आता रहा जलन दर्द वगैरह, तो उनमें बहुत ही बढ़िया काम करता है, साबाल सेरुलता में दिया जाता है इस तरह के केसेस में थूजा के साथ, प्रोस्टेटोमेगाली में बहुत हाईली इंडिकेट करता है, स्टाफिसाग्रिया भी दिया जाता है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट 2-3 रेमेडी है जो कि पर्टिकुलर डिजीज में एक की नोट सिम्टम के साथ, रेड लाइन सिम्टम के हिसाब से आप इस्तेमाल कर सकते हैं।
यूरिनेशन के बाद इसके जो स्किन का सिम्टम है, स्किन डिजीज तो बहुत सारे इसका हो सकता है, लेकिन दो इम्पोर्टेंट चीज़ों में बहुत ज़्यादा यूज होता है। एक है नाखून, नाखून का ठीक तरह से ना बढ़ना, उसका ब्रिटल नेल्स बोलते हैं, इधर उधर खुरदरे तरह से बढ़ता है, जैसे कि आपको एंटीम क्रूड में मिलेगा, तो वो उस चीज़ के लिए बहुत ही बढ़िया काम करता है थूजा और एंटीम क्रूड, जो कि ब्रिटल नेल्स के लिए बहुत ही बढ़िया काम देता है। नेक्स्ट इसका जो यूज़ होता है, हाईली इस्तेमाल किया जाता है, मतलब इसके नाम से जानते हैं कि वार्ट्स जो मस्से होते हैं, वार्ट्स जो होते हैं खास तौर पे, एक आम इंसान, एक नॉर्मल सा इंसान भी जानता है कि अगर उसको वार्ट्स है, मस्से हैं, तो तुरंत आप थूजा दे दो। एक आम इंसान जानता है इसको, इसका फेमस है इस चीज़ के लिए, बहुत ज़्यादा क्लिनिकली यूज़ होता है थूजा वार्ट्स के लिए, पेडिकुलेट, खास करके फूल गोभी जैसा अगर हो तो हाईली इंडिकेट करता है, और कुछ दिन आप उसका इस्तेमाल करें तो वो ऑटोमेटिकली झड़ जाता है। आपको उसको कटरेशन करने की ज़रूरत नहीं है, उसको सर्जरी करने की भी ज़रूरत नहीं है। कुछ लोग मर्क्यूरी वहाँ पर लगा देते हैं, पारा लगा देते हैं, तो उसका तुरंत झड़ जाता है, लेकिन उसका साइड इफेक्ट होता है, लेकिन थूजा का आप इस्तेमाल करेंगे तो उसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट इस सिम्टम्स है। इसके अलावा स्वेटिंग, उसका जो पसीना आता है, एक खास पिकुलियर सिम्टम है, ये ज़रूर आप याद रख लेना। कभी कभी पेशेंट बताएगा, आमतौर पर क्या होता है कि जब हम कपड़े पहनते हैं तो कपड़े जहाँ पर पहनते हैं उसके नीचे पसीना आता है, लेकिन इसका एक स्पेसिफिक सिम्टम है क्योंकि अनकवर्ड पार्ट, जो पार्ट कवर अप नहीं हुआ है, वहाँ पर ज़्यादा पसीना आता है। ये थूजा का एक स्पेसिफिक पॉइंट है, आप ज़रूर याद रख लेना। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट इसके रेड लाइन सिम्टम्स थे, कुछ क्लिनिकल टिप्स थे जो मैंने आपको अभी बताया। अब पोटेंसी के बारे में भी जिक्र कर लेते हैं इसका, क्योंकि थूजा एक डीप एक्टिंग रेमेडी है। मोस्टली हम जब क्लिनिकल इस्तेमाल करते हैं इसका 200 से शुरुआत करते हैं, क्योंकि एक्यूट दवाई तो बहुत सारे हैं, जो सिम्टम्स मैंने बताया उसके लिए और भी दवाइयां हैं कंपैरिजन में जो मैंने बताया, वहां पर आप 30 पोटेंसी यूज़ कर सकते हैं। ये एक एंटीमायाजमेटिक रेमेडी है, एंटीसाइकोटिक रेमेडी है, इसीलिए हम डायरेक्टली 200 से शुरू करते हैं, दिन में दो बार करके, दो या तीन दिन मैक्सिमम, मोस्टली एक दिन या दो दिन यूज़ करते हैं, दिन में दो बार सुबह शाम करके, बस दो दिन दे दिया, बस वेट किया, और उसके बाद दूसरे जो इसके रिलेटिव, इसका कॉम्प्लीमेंट्री सप्लीमेंट्री रेमेडी है, फॉलो स्वेल रेमेडी है, वो हम थर्ड डे से या फोर्थ डे से शुरू कर सकते हैं, उसको 30 पोटेंसी में हम यूज़ करते हैं, क्योंकि इसके एक्शन को पूरा करेगा। फिर जब हम रिजल्ट देखते हैं 15 दिन 20 दिन के बाद, थूजा का जो प्रॉपर एक्शन है आ जाए, या फिर थोड़ा सा आकर रुक जाए, फिर इसको हम 1 पोटेंसी में यूज़ करते हैं, और वो सिंगल डोज देते हैं। सिंगल डोज का मतलब दो या तीन बूंद एक ही बार आपको यूज़ करना है, एक चम्मच पानी में, बस उसको रिपीट नहीं करना है, आपको इसका इंतज़ार करना पड़ेगा उसका रिजल्ट कैसे आता है। तो ये सिंगल डोज हम इस्तेमाल करते हैं आमतौर पर, अगर इसके जो सिमिलर सिम्टम्स हैं, मोस्टली माइंड से रिलेटेड हो, फिजिकल हो, किसी भी तरह का, अगर आपको प्रॉपर मिले तीन या चार सिम्टम अगर आपको मिल जाए, तो डायरेक्टली आप 1 mg का पोटेंसी यूज़ कर सकते हैं और उसका रिजल्ट बहुत बढ़िया आएगा। बस एक डोज देकर आपको वेट करना पड़ेगा। मैक्सिमम जो हाइपोसेंसिटिव पेशेंट है, मतलब जिनका सेंसिटिवनेस कम होता है, उनको हम दो डोज देते हैं, वरना एक डोज ही काफ़ी है, रिजल्ट आ जाता है 10-15 दिन में अंदर, और रिजल्ट उसका आ जाता है, आपको वेट करना पड़ेगा। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट इसके क्लिनिकल फीचर्स और पोटेंसी के बारे में हमने बताया। थूजा था एक इंपॉर्टेंट एंटीसाइकोटिक मायाजमेटिक रेमेडी, आप ज़रूर इसको याद रखिए, अपने पास ज़रूर रखिए। बहुत सारे दूसरे सिम्टम्स हैं, आप उसके लिए मेट्रेमेडी का फॉलो कर सकते हैं, सबसे बेस्ट है इबिनास या फिर बोरिक मेट्रेमेडी का, आपको मिल जाएगा किसी भी जगह पर, या फिर ऑनलाइन भी अवेलेबल है, आप पढ़िए इसका प्रॉपर सिम्टम्स और ज़रूर इसका इस्तेमाल करिए, बहुत सारे दूसरे बीमारियों में यूज़ होता है। मोस्टली बेसिकली जो जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं उसके बारे में हमने जिक्र कर लिया है। तो आज के लिए बस इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद, और ऐसे ही बेहतरीन वीडियोस में आने वाले दिनों में आपके सामने पेश करूंगा, तो बने रहिए मेरे चैनल के साथ। जो मेरे नए दोस्त जुड़ रहे हैं चैनल के साथ, ज़रूर इसको सब्सक्राइब कर लें, और जो बेल आइकन है ज़रूर क्लिक कर लें। जो मेरे पुराने व्यूअर्स हैं, पुराने दोस्त हैं, ज़रूर अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और एक लाइक ज़रूर करें, ताकि मेरा हौसला बना रहे और होम्योपैथी का प्रचार और प्रसार हो। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।